वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं प्रदेश के 6 बागी विधायकों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें आईना जरूर दिखाएगी, क्योंकि उन्होंने सरकार से ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को भी धोखा दिया है। आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलाएंगे जो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, कांग्रेस के जो संगठन को वो देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, हम बात प्रेम कौशल जी से जो प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। सर पहले तो आपका हमीरपुर में स्वागत है और इंडिया न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी, आपका बहुत बहुत। सर हम प्रदेश की राजनीति में अगर देखें तो लोकसभा चुनाव अभी सिर पर है, तो किस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हैं? ये लोकसभा चुनाव पूरे देश में संपन्न होने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी 4 संसदीय क्षेत्र हैं, उनमें भी चुनाव होंगे। देश के अंदर इस वक्त का जो वातावरण है और जिस अंदाज में और जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस राजनीतिक अंदाज से और उस राजनीतिक एक जो कार्य प्रणाली है उससे देश के लोगों में बहुत रोष भी है और नाराज़गी भी है। आज नफरत फैलाने का काम देश के अंदर हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपने देखा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं उनके माध्यम से किस तरीके से धन उगाही हुई है, और जो सरकारी एजेंसियां हैं जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके माध्यम से छापेमारी करके लोगों को डरा के फिर उनसे बुराई की गई, इनकम टैक्स के छापे मार के बहुत सी जो कंपनीज हैं उनसे पैसा एकत्रित किया गया। तो ये ऐसे जो हालात देश के अंदर उत्पन्न हुए हैं, एक दहशत का माहौल पैदा करके हफ्ता वसूली के अंदाज में जो पैसा इकट्ठा वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके किया है, ये आज सारी देश के लोगों के सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। और जिस प्रकार से आज देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर जो है चुनावों की बेला के ऊपर जेल में डाला जा रहा है, इसी तरह हमारे केजरीवाल जी को जेल में डाला, झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनको अंदर दिया गया, जो पकड़ में नहीं आ रहे जिनको जेल में नहीं डाला जा सकता, जैसे कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए, तो एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें सिर्फ एक ही टीम खेलेगी, एक ही प्लेयर खेलेगा, ताकि दुनिया जितने भी विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों के नेता हैं, वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट ही ना कर सके। किसी के खाते फ्रीज कर दो, जो आपसे सहमत नहीं है, आपके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं उनको जेल में डाल दो, बाद में वो अपने आप को सही साबित करते रहेंगे, आपने उनको दागी करना है। इस राजनीति को देश की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में चाहे प्रदेश की बात है चाहे देश की बात है बहुत भारी नुकसान जो है वो होने वाला है। सर अगर हम अनुराग ठाकुर की बात करें तो किस तरह से उनके जो 10 साल का जो पीछे मोदी सरकार में जो कार्यकाल है किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को? देखिए अनुराग ठाकुर एक सबसे बड़े गुब्बार संघ है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। जब जब चुनाव आते हैं कोई ना कोई नया लॉलीपॉप हमारे जो अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं उनके हाथ में थमा देते हैं। रेलवे की बात बहुत पुरानी हो गई, अभी तक जो है वो 1,000 रुपये का हर बजट में जो है वो प्रावधान ऊना से हमीरपुर रेल लाइन के लिए किया जाता है। तो अपने जो वादे हैं उनको पूरा करने में पूरी तरह से अनुराग ठाकुर असफल रहे हैं, लेकिन वो एक बड़े राष्ट्रीय नेता के अंदाज में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनको ये याद रखना होगा कि वो केंद्र में मंत्री हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन हमीरपुर के मतदाताओं के लिए वो उनके सांसद हैं, और संसद से जो लोगों की उम्मीदें अपेक्षाएं हैं उन पे वो खरे नहीं उतरे हैं। और एक ओवरऑल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण पूरे देश में है, प्रदेश में है, मैं समझता हूँ उसका भी नुकसान अनुराग ठाकुर जी को उठाना पड़ेगा। और अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पर विद्रोह जो है उसका भी सामना अनुराग ठाकुर जी को करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए इस बार आसान नहीं है। सर अभी आपने प्रदेश की राजनीति की बात की, कांग्रेस से 6 बागी हुए और 3 निर्दलीय हैं जिन्होंने बीजेपी में शामिल हुए, तो किस तरह से जो उपचुनाव है आप किस तरह से देखते हैं इस उपचुनाव को? 2 सीटें जो हमीरपुर से हैं, बड़सर और सुजानपुर, तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या है इस पर स्टैंड? ये जो स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश में
वर्तमान में पैदा हुई हैं, जिनमें 6 जो चुनाव क्षेत्र हैं उनमें चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद परिस्थिति है हिमाचल की राजनीति के हिसाब से अगर मैं कहूँ। और ये जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग का धन बल और ताकत सत्ता का इस्तेमाल करके उसी के साथ जो है वो जो इंस्टीट्यूशन हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, उसका इस्तेमाल करके जो सरकारों को तोड़ने का एक क्रम, विपक्षी सरकारों को तोड़ने का जो एक क्रम देश की राजनीति में शुरू हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने हिमाचल में भी अटैम्प्ट की, उसमें असफल हुए। और हिमाचल के लोग मैं समझता हूँ कि बहुत शिक्षित हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इस जो धनबल की राजनीति है, सत्ता के दम पर सरकारें बदलने की, लोकतंत्र को कुचलने की, लोकतंत्र की हत्या करने की जो राजनीति है, इसको हिमाचल में कोई स्थान मैं समझता हूँ हिमाचल की जनता देने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, और जिन लोगों ने किसी प्रलोभन में आकर किसी महत्वाकांक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और लोगों ने जो उनको जनादेश दिया था कांग्रेस प्रत्याशियों के तौर पर, हाथ के चुनाव चिन्ह के ऊपर वो जीत के गए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ भी धोखा किया है, और बड़ी उम्मीदों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आकर हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 5 वर्ष के लिए सत्ता सौंपी थी। 14 महीने में इस तरह का कारनामा करके जो है वो मतदाताओं के साथ भी धोखा हुआ है। ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और आप देखेंगे इन चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार और मजबूत होकर उठेगी। धरना इन्होंने विधानसभा में दिया वो अपने आप में ही इनकी स्थिति को और कमजोर करता है। ये धरना अगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की किन्हीं समस्याओं को लेकर, किन्हीं मांगों को लेकर कर रहे होते तो मैं समझता हूँ कि उनकी कोई इमेज बनती अपने विधानसभा क्षेत्र में भी और प्रदेश में भी, कि वो जनता जनहित के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश हित के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तो इस वजह से ये जो इनका जो आचरण है, इनका जो व्यवहार है, इस्तीफा देना दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी जो खेल है, बहुत बड़ा जो एक राजनीतिक षड्यंत्र इसके पीछे जो है वो इसकी पृष्ठभूमि में है। और मैं समझता हूँ कि तीनों निर्दलीय विधायक अगर चुनाव होते हैं जनता का सामना नहीं कर पाएंगे, इनको जनता के प्रकोप का शिकार होना पड़ेगा। सर धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हमीरपुर से सुमित राठौर।